पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों से जून 2021 में नींव रखी उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र आज जो आप बनने की अंतिम चरण में चल रहा है, बहुत शीघ्र एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा साहब की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इन शिक्षाओं को वास्तव में हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर वंचित, हर दमित, हर शोषित व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य ईमानदारी से किसी ने किया तो वह नाम है प्रधानमंत्री मोदी। मोदी जी ने हर एक तबके तक इन योजनाओं को पहुंचाने का काम किया, बिना भेदभाव के पहुंचाने का काम किया। आज जब गरीब को पिछले भारत अकेला देश है जिस देश में 80 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव के फ्री में राशन देने का कार्य सरकार कर रही है, करोड़ों लोगों को सिर ढकने के लिए आवास उपलब्ध कराया जा रहा है, 10 करोड़ से अधिक गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया, 4 करोड़ से अधिक गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, 8 करोड़ से अधिक गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, 50 करोड़ गरीब देश के अंदर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ ले रहे हैं और करोड़ों लोगों को जिस जमीन पर उनकी झोपड़ी है, उनका मकान है, उसका मालिकाना अधिकार देने का काम भी पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये वास्तव में मानवता की सेवा का कार्य है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब तक पहुंच जाए, हर दलित तक पहुंच जाए, हर वंचित तक पहुंच जाए, ये केवल एक नारा नहीं बल्कि योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचे ये एक हकीकत भी बने और उसे हकीकत में बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो आजादी के बाद ईमानदारी से कार्य किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और इसी ने जब हम यहां पर आए हैं अंबेडकर महासभा, कुछ दिनों के बाद इसके पास अपना एक भव्य स्थान होगा। लेकिन भाइयों बहनों, मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी को और उनकी पूरी टीम को। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा था तब उन्होंने एक छोटे से स्थान से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया 1991 में। याद करिए 1891 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। ठीक 100 साल के बाद लखनऊ में 14 अप्रैल 1991 को यहां पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कार्यक्रम का शुभारंभ यहां पे अंबेडकर महासभा के द्वारा प्रारंभ किया गया और ये कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ हुई। दो दो पूर्व राष्ट्रपति यहां पर आए, श्री के आर नारायण जी जब देश के उपराष्ट्रपति थे बाद में राष्ट्रपति भी, उनका आगमन यहां पर हुआ। श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति के रूप में, राज्यपाल के रूप में उनका कई बार यहां आगमन हुआ। प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होता है, श्री बीपी सिंह जी का यहां आगमन होता है। राज्यपाल के रूप में कई बार श्री राम नाईक जी का यहां पर आगमन होता है। देश का कोई भी बड़ा ऐसा नेता नहीं जिन्होंने अंबेडकर महासभा के कार्यक्रम में भाग लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रति यहां नमन किया हो। श्रीमती सविता अंबेडकर जी स्वयं यहां पर आई और वास्तव में गरीबों की आवाज को एक नई गति देने के लिए अंबेडकर महासभा ने जो कार्य किया आज उसी का परिणाम है।
कि राज्य सरकार ने निर्णय भी लिए, जिस गरीब के पास जमीन का पट्टा नहीं, सरकार ने जमीन का पट्टा उपलब्ध करवाई थी। सरकार ने युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर नल की योजना में 1 करोड़ परिवारों को हर घर नल की योजना से आच्छादित किया जा चुका है। याद करिए 2014 के पहले एक गरीब और एक दलित पानी के लिए भटकता था। दबंग लोग पानी नहीं पीने देते थे। इंडिया मार्क का हैंडपंप सरकार के पैसे से लगता था, कुछ लोग उसमें काबिज हो जाते थे। आज तो हम लोग हर घर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यवस्था कर दी कि हर घर तक पाइप कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे, हर घर तक ये पाइप कनेक्शन उपलब्ध होगा। 1 करोड़ परिवारों को कल सायंकाल तक शुद्ध पेयजल के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य संपन्न हो चुके हैं और ये कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, ये एक बड़ा कार्यक्रम है। किसी भी व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ, और इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव जी आए, मैं उन्हें अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने पूरी मजबूती के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। आज हम सब यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अम्बेडकर महासभा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्मरण करने के लिए आए हैं। इस अवसर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चित्र हर सरकारी कार्यालय में लगेगा। आज आप देख रहे होंगे, हर कार्यालय में आप जाते होंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चित्र वहां पर रख करके एक नई प्रेरणा देता है, स्मरण कराता है अपने कर्तव्यों के प्रति। अब केवल संवैधानिक अधिकारों की बात नहीं होती है, संवैधानिक कर्तव्यों की बात भी होती है। देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इनकी भी चर्चा होती है। यही तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रेरणा है। और मैं इस अवसर पर बधाई दूंगा अम्बेडकर महासभा के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी को, जो आज उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने दलितों की एक आवाज को सम्मानित करते हुए उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में स्थान दिया है। और इस अवसर पर मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आवाज दबनी नहीं चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो एक ही प्रेरणा दी, शिक्षित बनो, अपने हक के लिए लड़ो, जीवन में उच्च आदर्शों का पालन करो। जीवन भर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इन कार्यक्रमों को लेकर के चलते रहे। आज हम सब यहां पर उन्हें स्मरण कर रहे हैं, उनकी स्मृतियों को नमन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको आश्वस्त करता हूं, प्रदेश सरकार हर गरीब, हर दलित, हर वंचित, समाज के हर उस तबके के हितों के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है जो इससे पहले शोषित था, पीड़ित था, किन्हीं कारणों से उसे अपमानित किया जाता था। आज कोई अपमानित नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति को जियो और जीने दो के साथ चलने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से भारत माता के इस महान सपूत भारतीय